फिर आते हैं हमारा सेकेंडरी डेटा पर। अभी तक हम लोगों ने अपना प्राइमरी डेटा कंप्लीट कर लिया, प्राइमरी डेटा की जो सारी मेथड्स थी सब कुछ देख लिया, उसके बाद में सेंसस सैंपल देख लिया। अब जो है अपने सेकेंडरी डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है ये देखते हैं। ये बहुत ही छोटा सा और प्रिसाइसफुल जो है इसका टॉपिक होने वाला है, ये वाला टॉपिक, और फिर कुछ हमारा एक आधा टॉपिक और बचेगा और फिर चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, तो क्या है सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा? सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा दो काइंड के हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं पब्लिश्ड सोर्स और कुछ हो सकते हैं अनपब्लिश्ड सोर्स। पब्लिश्ड सोर्स कैसे सोर्स होंगे? ऐसे सोर्स जो कि पब्लिश किए जा चुके हों। ठीक है, मतलब कि ऐसी चीजें, ऐसी रिपोर्ट्स जो कि पब्लिश की गई हो, अगर हम उनकी हेल्प ले रहे हैं, हम अगर उनसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो आता है आपके पब्लिश्ड सोर्स में। और अनपब्लिश्ड सोर्स कौन से सोर्स होते हैं? वो सोर्स जो कि पब्लिश नहीं हुए हैं। ठीक है, वो डेटा, वो रिपोर्ट्स जो कि पब्लिश नहीं की गई है, जो कि पब्लिकली पब्लिश नहीं की गई है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो है छुपी हुई है, तो वो जो होती है वो होती है अनपब्लिश्ड सोर्सेज। अब इनमें क्या क्या आता है हम वो देखते हैं, उससे आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। पहले देखेंगे क्या पब्लिश्ड सोर्सेज। देर आर नंबर ऑफ नेशनल में क्या हो गया, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑल्सो इंटरनेशनल एजेंसीज विच कलेक्ट स्टैटिस्टिकल डेटा इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक नेशनल इनकम, पॉपुलेशन, प्राइजेस, एम्प्लॉयमेंट, वेजेस, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्सेट्रा। ठीक है, तो बहुत सारी एजेंसीज हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारी एजेंसीज हैं जो कि डिफरेंट चीज़ों पर क्या करती है, रिसर्च करती है, या डिफरेंट चीज़ों पर जो है अपना जो स्टैटिस्टिकल डेटा है वो कलेक्ट करती है। ठीक है, अब ये सब जो कलेक्शन करते हैं ये डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसे पब्लिश करते हैं और फिर हम उसका जो यूज लेते हैं तो वो बनती है पब्लिश्ड सोर्सेज। ठीक है, these reports are published on, ठीक है, अब ये कहाँ पब्लिश की जाती है वो हम देखें अगर, तो कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिश्ड सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, ऑफिशियल पब्लिकेशंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है वो कुछ पब्लिकेशंस दे रही है, वो ऑफिशियल पब्लिकेशंस उनके। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस मतलब कि सीधा सीधा क्या है कि जो गवर्नमेंट के पब्लिकेशंस हैं वो हमें पॉइंट्स बढ़ाने हैं तो हमने कुछ इस वे में बढ़ा दिए उन्हें। ये सब कुछ हम एक में भी लिख सकते थे कि पब्लिकेशंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन वो पॉइंट्स बढ़ाने के लिए ऐसा ठीक है। रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड कमीशंस, जो डिफरेंट कमिटीज हैं, जो डिफरेंट कमीशंस हैं, जो डिफरेंट रिनाउंड कमिटीज हैं, उनके कुछ रिपोर्ट्स हो गई। पब्लिकेशंस ऑफ अ रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोई पब्लिकेशन किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की, वो भी इसी में आएगी। फिर इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, कुछ इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हो गए, प्राइवेट पब्लिकेशंस हो गए, पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस हो गए, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स हो गए, मतलब कि वो सारे अथोराइज्ड पब्लिकेशंस जिन पर हम लोग भी बिलीव कर लेते हैं, वो सारे जो हैं वो क्या हैं, वो होते हैं हमारे पब्लिश्ड सोर्सेज। ठीक है, किसी ने कलेक्ट किए, यूज कोई और कर रहा है, तो वो सेकेंडरी डेटा का ही सोर्स होगा, है ना। न्यूज़पेपर की जो न्यूज़ है वो कलेक्ट किसी और ने की, लेकिन न्यूज़ हम कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो है सेकेंडरी सोर्स ऑफ द डेटा। वैसे ही सेम ये जो सारे पब्लिकेशंस हैं, ये जो सारी रिपोर्ट्स होंगी इन पब्लिकेशंस में, ये किसी और ने कलेक्ट की है और इसे यूज कोई और कर रहा है, इसलिए ये सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा बनती है। ओके, तो आई होप सो कि ये चीज भी आप लोगों को क्लियर हो गई है, मतलब कि ये समझ में आ गया है कि पब्लिश्ड सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा क्या हो सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं कुछ अनपब्लिश्ड सोर्सेस पर। अब अनपब्लिश्ड सोर्सेस क्या है ये देखें। सो व्हेन डेटा कलेक्टेड बाय समवन इज नॉट पब्लिश्ड एंड इज टेकन बाय अदर पर्संस फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, देन सच डेटा इज नोन एज अनपब्लिश्ड सेकेंडरी डेटा। ठीक है, जब कोई डेटा है जो कि पब्लिश नहीं किया गया है, जो कि पब्लिश नहीं किया जाता है, लेकिन वो कोई और पर्सन यूज कर रहा है उसके पर्पस के लिए, उसके खुद के इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वो क्या हो गई, वो हो गई अनपब्लिश्ड सेकेंडरी डेटा। मेनी इन्वेस्टिगेशंस आर ऑफ प्राइवेट नेचर एंड देयर फाइंडिंग्स आर नॉट पब्लिश्ड,
सच अनपब्लिश्ड डेटा इज यूजुअली मेंट फॉर द यूज ऑफ मेंबर्स ओनली. ठीक है, जैसे कि कोई एक कंपनी है जिसने कोई डेटा क्या किया है, कलेक्ट किया है. ठीक है, इस कंपनी ने एक डेटा कलेक्ट किया है, अब वो जो डेटा कलेक्ट किया है वो ये कंपनी पब्लिश नहीं कर रही है, मतलब कि वो इस कंपनी से बाहर नहीं आ रहा है, वो इसके अंदर ही है. तो वो जो डेटा है वो क्या हो गया, वो हो गया एक अनपब्लिश्ड सोर्स ऑफ डेटा. ठीक है, बिकॉज वो पब्लिश नहीं किया गया, तो वो डेटा क्यों कलेक्ट किया गया, फिर वो कलेक्ट किया गया इस कंपनी के जो खुद के मेंबर्स हैं उनके यूज के लिए. ठीक है, ताकि आगे की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपरली हो, या किसी भी वे में जो फंक्शनिंग करवानी है वो करने के लिए यहाँ के जो मेंबर्स हैं उनके, उन्हें जो है हर एक चीज से वेलवर्स्ड होना जरूरी है ना. तो वो जो मेंबर्स हैं उनके लिए ये अगर कोई डेटा कलेक्ट किया गया है जिसे कि पब्लिश नहीं किया जाता है, तो वो होता है अनपब्लिश्ड सेकेंडरी डेटा. ये मेंबर्स के लिए तो वो सेकेंडरी डेटा है ना, ये मेंबर्स खुद जाकर कलेक्ट नहीं कर रहे, ये तो किसी ने कलेक्ट कर दिया है, इनके जो भी रिसर्च हेड होंगे उन्होंने कलेक्ट करके दे दिया है, अब सारे मेंबर्स उसका यूज कर रहे हैं, तो वो उन मेंबर्स के लिए क्या हुआ, सेकेंडरी डेटा हुआ. ठीक है, तो जो डेटा पब्लिश नहीं किया जाता वो क्या होता है, अनपब्लिश्ड डेटा होता है. ओके, फिर कुछ लिमिटेशंस देखें हम सेकेंडरी डेटा की, तो वो क्या होंगी, नो प्रॉपर प्रोसीजर इज अडॉप्टेड टू कलेक्ट दी डेटा. कोई बहुत हम प्रॉपर प्रोसीजर थोड़े ना अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि जैसे कि प्राइमरी डेटा में हम देख रहे हैं कि हाँ ये वाला जो मेथड है वो यूज करेंगे, इस वे से जो है किया जाएगा. सेकेंडरी डेटा में ऐसा कुछ नहीं है, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, मैंने इन्फॉर्मेशन गेन की, मैंने वहां से देखा कि अच्छा ये चल रहा है, वो मैंने अपनी सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन ली है, मैंने क्या कोई यहाँ पर प्रोसीजर अप्लाई किया, नहीं किया. सेकेंडरी डेटा में भी इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रीजुडाइसेस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर. सेकेंडरी डेटा समटाइम्स लैक स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी. सेकेंडरी डेटा में नॉट कवर द फुल पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, अल्टीमेटली स्टूडेंट्स जो सेकेंडरी डेटा है वो सेकेंडरी ही रहेगा ना, जो फर्स्ट हैंड डेटा होगा मतलब जो प्राइमरी डेटा होगा वो जो इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव होगा वो प्रॉपरली सर्व करेगा. अब वो तो अपने इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से डेटा दिया जाता है. ठीक है, सेकेंडरी डेटा क्या है, किसी और ने कलेक्ट किया उसके पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए, लेकिन अब हम उसे यूज कर रहे हैं तो अब हमें अपना जो उसमें से ऑब्जेक्टिव है वो देखना पड़ेगा. अब उसके लिए हमें बहुत ही अच्छे से उस पर्टिकुलर डेटा को रिसर्च करना पड़ेगा कि हाँ सिर्फ हमें अपने काम की इन्फॉर्मेशन गेन करना है, कोई भी इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ना हो, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन ना हो जिसकी वजह से हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है वो कुछ गड़बड़ हो जाए. ठीक है, तो ये अल्टीमेटली ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है. ओके, तो ये कुछ क्या है, ये कुछ है लिमिटेशंस ऑफ द सेकेंडरी डेटा. आई होप सो कि सेकेंडरी डेटा के जो सोर्सेज हैं ये आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, एंड सेकेंडरी डेटा के जो लिमिटेशंस है वो भी क्लियर हो गए होंगे. सेकेंडरी डेटा एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक था हमारा, जिसे हमने बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर लिया.